हेलो मेरे भाई और उनके बहनों, गर्मी है तो वहाँ अपने मर्जी के हिसाब से कपड़े पहनो। तो बात यह है कि मैं खेल रहा था एरेंगल, ठीक है। तो मेरे टीम में मतलब कि बहुत मतलब लूट उट करने का दिए, जो मेरे गेम प्ले तुम देख रहे हो ये आधे से है, ठीक है। लूट उट करने के बाद मैं बहुत दूर से आ गया, मैंने दो बंदे को ही मारा आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तो यहाँ कुछ ऐसा होता है इसलिए मैं ये गेम प्ले दिखाना मतलब चाहता हूँ कि मतलब कि पूरा मज़ेदार सीन रहता है, ठीक है। तो एक जगह गाने टिका के बैठ जाओ और हाँ हेडफोन लगा लो, क्योंकि भैया बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो गेम प्ले को शुरू करते हैं। तो बात यह है कि मेरे जस्ट सामने जो है वहाँ पे दो तीन स्क्वाड थे, तो वहाँ पे फाइट चल रहा था। तो मैं भाई कर रहा हूँ रैंक कुछ, तो मैं उसके फाइट नहीं लेना चाहता। तो मेरा टीममेट एक नंबर वहाँ जाता है और कुछ देर में वो मर भी जाता है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ जुगाड़ लगाने के लिए। जुगाड़ मतलब इधर उधर कुछ से यहाँ पे जो सामान गिरे रहते हैं वो सब उठा के ये हमको बनाने का ऑप्शन देता है, इसे बनाने के लिए जुगाड़ लगाता हूँ मैं। तो मैं जुगाड़ लगाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कोई स्नाइपर मिल जाए, तो मिल ही जाता है। कार98 मुझे पहले ही देखो मैंने कलेक्ट कर लिया। दूसरा चीज़ फिर से मुझे स्कोप चाहिए था, क्योंकि मेरे पास स्कोप भी नहीं होता। तो मैं स्कोप के लिए भी जुगाड़ लगाने लगता हूँ कि शायद मिल जाए। तो देखो अब मैं जुगाड़ लगाता हूँ, तो मैं सारे रूम में ढूंढने लगता हूँ कुछ मिल जाए ताकि मैं जुगाड़ लगा, और जो भी मुझे मिलता है मैं सारा हर चीज़ उठा लूँगा ताकि कुछ तो जुगाड़ लगे। लेकिन हाँ लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो मैं जुगाड़ करने लगता हूँ कि कुछ तो हो जाए। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत जुगाड़ लगाने के बाद देखो मैंने ये, और मुझे एयरटैक्स मिल गया और सामने पड़ा हुआ है क्या, कार 98। अब देखो क्या मज़ा आता है कार 98 विथ एयरटैक्स, जो कि मुझे लूटने से नहीं मिला, ठीक है। मैंने बस इसका जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगाने से मुझे मिला है कार 98 और एयरटैक्स, ठीक है। अब देखो कि आगे मैं क्या करता हूँ। तो आगे मैं बंदे को देखने लगता हूँ और सोचता हूँ कि स्नाइपर से मारूं, लेकिन ये होता है कि वो बहुत दूर होते हैं और मेरा टीममेट भी मर गया होता है एक नंबर वहाँ आगे जाके, तो उनको शॉट लगता नहीं, मिस हो जाता है बार बार। तो देखो अभी सब बंदे भाग रहे, तो इस गाड़ी वाले को एक शॉट लगता है, लेकिन ये गाड़ी वाला भाग जाता है। उसके बाद मुझे एक बंदा डैमेज दे देता है। अब उसके बाद का सीन देखो, ये बंदा के देखो ये कैसे जा रहा है बाइक लेने के लिए। बाइक लिया, अब उसके बाद देखो एक शॉट इसे लगा, उसके बाद देखो देखो ये कैसे भूत की तरह भाई क्या गाड़ी चला रहा था यार बंदा, मतलब मज़ा आ गया। ये देखो क्या एक्शन से भाई गाड़ी चला रहा है, ये देखो भाई, लेकिन बहुत मज़ा आया इसका, मतलब चला गाड़ी चलाने का स्टाइल देख के भाई बहुत मस्त स्टाइल से चला मतलब गाड़ी इसने। उसके बाद भाई ये आता है मेरे पे रस करने के लिए, ठीक है। तो मैंने भी बोला ठीक है भाई आ ही गया, तो चलो देखते हैं तू मर जा या मैं मर जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो रैंक इधर उधर देखने के लिए घूमता हूँ, तब तक वो मुझे डैमेज दे देता है। उसके बाद ये स्पाइडर मैन ऑन करके ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन ये आ नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद मैं मतलब इस पर ही ध्यान रखता हूँ कि मतलब मज़े ले रहा होता हूँ इसका कि ये ऊपर आए ताकि ऊपर मैं इसको मारो, लेकिन ये भी बंदा मतलब बहुत ज़्यादा तेज होता है, ये ऊपर आता नहीं। और मैं भी नीचे नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पर बैठ के खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैं रेलवे स्टेशन पर बैठ के खेल रहा था गेम, तो मैं भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास कुछ फिंगर उंगर कुछ नहीं था जिस कारण मैं अच्छा खेल पाता। मैं थोड़ा सा डैमेज लो ही मतलब कि अच्छा तरीके से नहीं खेल पाता, इसलिए रेलवे स्टेशन पर आदमी कैसे गेम खेल सकता। तो जैसे तुम लोग भी कभी ट्राई करके देखो रेलवे स्टेशन पर कैसा गेम खेल सकते हो, अलग अलग तरह का इंसान रहता है, हर चीज़ बोलते रहता है, तो अच्छे तरीके से नहीं होता। और मैंने वॉइस ओवर भी रेलवे स्टेशन पे किया, ये जो मैं भी बोल रहा हूँ वॉइस ओवर कर रहा हूँ ये मैं अभी रेलवे स्टेशन पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम नहीं है मेरे पास घर जाने का, अभी घर जाने में 2 दिन कम से कम लग ही जाएंगे। तो फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पे ही साइड में आके कर रहा हूँ वॉइस ओवर। तो देखो तो बात यह है कि वो बंदा भी मुझे पिक दे रहा था और मैं भी उसको पिक दे रहा था, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को पिक देते, वो सोच रहा था कि मैं पिक दूंगा तो वो मुझे मारेगा, ठीक है। मैं नहीं मार रहा था क्योंकि वो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा पिक देकर हट जा रहा था, और मुझे पता था कि मैं पिक दूंगा तो वो पहले साइड होगा फिर मेरे को मारेगा, ठीक है। और मेरे पास था AKM, और AKM का कंट्रोल करना यार मतलब कंट्रोल तो कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं स्टेशन पर खेल रहा हूँ तो स्टेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समझ रहे हो फिंगर का कुछ भी नहीं है, फ़ोन का स्क्रीन जो भी है मतलब कि वर्क नहीं सही से करता है, मतलब यार चिपकने लगता है वो नहीं रहता, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था।
तो उसके बाद देखो अब ये बंदा क्या करेगा। ये बंदा बहुत देर तक लुका छुपी खेलने के बाद मतलब ये उधर से सोच के आया था कि भाई इसको मार दूंगा, किल ले लूँगा, ये वो, ये नूबड़ा, ये वो, और मैं भी इसका मजे लेते रहता हूँ जोन के बाद, क्योंकि मेरे पास एनर्जी ड्रिंक हील वगैरह सारा चीज़ है ही, तो मैं भी मजे लेने में बिजी हो जाता हूँ। तो मैं भी इसको देख रहा होता हूँ और ये मुझे देख रहा होता, ठीक है, तभी नहीं पता इसको क्या होता है, ये देखो भागने लगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई ये मुझे मारने के लिए आता और भाई उसके बाद मैं बताऊँ, मैं मतलब कैसे बताऊँ कि मैं वहाँ पे इसको मारने का रेलवे स्टेशन पे ऐसे पागलों की तरह हंस रहा था कि मैं क्या बताऊँ भाई इसको मारने का। सही बोलूँ आज तक का सबसे ज़्यादा अगर मुझे खुशी किसी चीज़ से मिला होगा तो वो इसको मारने के बाद मिला था भाई। मैं पागलों की तरह रेलवे स्टेशन पे हंसने लगा, सब मुझे देखने लगे क्या होगा ये वो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को लूट के इसका गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा बहुत मज़ेदार था। चलो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि भाई ये मुझे मज़ेदार लगा इसलिए मैंने सोचा कि सबको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ मिशन स्पाइडरमैन वीडियो जो है दो दिनों में मतलब कल शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिशन स्पाइडरमैन कंप्लीट हो गया है तो वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।